और कुछ इलाके पर कब्जा कर लिया जो बहुत अहम है पिछले 29 तीस अगस्त की रात हमारे सैनिकों ने लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों का जो हस्त्र किया उससे प्रत्येक देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है आज के इस वीडियो में उसी एसएसएफ स्पेशल सेक्रेट फ्रंटियर फोर्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे हालांकि इनकी उपस्थिति कार्य प्रणाली तथा इनके कार्यरत जवानों के बारे में भारत सरकार द्वारा बहुत ही गोपनीयता बरती जाती है फिर भी जितनी सूचना ओपन सोर्स में उपलब्ध है उसको इस परिचर्चा में साझा करने का प्रयास किया गया है आइए सुनते हैं आगे की परिचर्चा चाइना और भारत का मामला है एक मरतबा फिर से ऐसा नजर आ रहा है दोनों आमने सामने आ गए हैं अब की बार नतीजा क्या निकले बहुत मामला संगीन हो गया है वो तीस और इकतीस अगस्त की रात को तिब्बती दस्ते जो हैं उनके पास जो हजारों की तादाद में हैं मुमकिन है एक लाख के करीब हों ये गोरखा सिपाही भाई बहुत अच्छे समझे जाते हैं मगर हाइट पर लड़ने के लिए तिब्बती उनसे बेहतर समझे जाते हैं वो अचानक उन्होंने हमला किया और कुछ इलाके पर कब्जा कर लिया जो बहुत अहम है और चीन इसमें कशीदगी नहीं चाहता उसकी काफी तफसीत हैं तो मैं बाद में अर्ज करता हूँ लेकिन इंडिया तुला हुआ है इस वक्त ठीक है अगर अचानक उन्होंने हमला किया और वो जो एट फिंगर्स है नो झील है सत्रह हजार फुट के हाइट पे है ये ग्लेशियर ही है तक तो उसकी चौथी उंगली पे उन्होंने कब्जा कर लिया चौथी तक अप टू टू वो तिब्बत के लोगों को पना दी हुई है जी। उसकी फौज बनाई हुई है दलाई लामा को वहां रखा हुआ है उस पर क्लेम है अक्सा चीन पे उनका क्लेम है क्लेम तो उनका सारी दुनिया पे उधर गांधी जी कहते थे बामियान तक है इंडिया अफगानिस्तान के बहुत से इलाकों पर बामियान का मतलब आदि अफगानिस्तान पे भी क्लेम है फ्रंटियर फोर्स पैरामिलिट्री फोर्स यानी कि जवान जो हैं वो उसी के हैं लेकिन ऑफिसर्स हैं वो इंडियन आर्मी के हैं वहां पे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के वो इन्फेंट्री के हैं किसी के हैं और किसी आर्म सर्विस के हैं और स्पेशल फोर्स के भी हैं सब लोग दे आर देर ट्रूप्स विच आर देयर इन स्पेशल फ्रंटियर फोर्स उसमें कई टिब भी हैं तिब्बती भी हैं और शुरुआत उनसे वहीं से हुई थी जब दलाई लामा आए थे वहां से आ, चाइना से जब उनका पलायन हुआ था जब उनके ऊपर बड़ा उनके ऊपर बड़ी तशद करी गई थी टॉर्चर करा गया था वहाँ पे तो दलाई लामा जब भारत आए और यहाँ पे गवर्नमेंट एन एग्जाइल अपनी धर्मशाला में सेटअप करी तो उनके साथ जो लोग आए थे उनके बॉडी गार्ड्स उनका कुछ कुछ लोगों ने ज्वाइन करा फिर बाद में और तिब्बतियों ने भी ज्वाइन करा और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे किसी ने बताई थी आई डोंट नो फॉर श्योर बट मैं शेयर कर लेता हूँ बिकॉज बड़ा ब्यूटिफुल एक चीज़ है कि फौज में एक चीज़ होती है एनओ नेक्स्ट ऑफ किन यानी कि अगर आप नहीं रहे इस दुनिया में आप वीर गति को प्राप्त हो गए या किसी हादसे में आपकी डेथ हो गई तो आपकी प्रॉपर्टी और आपकी पेंशन किसको मिलेगी वो नेक्स्ट ऑफ किन है वो आपका you know, आपका यू नो जो नेक्स्ट है उसको मिलेगी और एक जमाने में ट्रेडिशन हुआ करता था आई डोंट नो इफ द ट्रेडिशन स्टिल डोंफ में ट्रेडिशन था कि जितने भी तिब्बती थे वो नेक्स्ट ऑफ किन दलाई लामा को लिखते थे अपना दैट वॉज द स्पिरिट एंड द पैशन दे हैड फॉर दे फॉर दे रिलीजन फॉर दलाई लामा तो तिब्बती गए हैं वहां पर और तिब्बतियों ने एक्शन करा है ये जो एस एफ एफ के हैं स्पेशल फ्रंट फोर्स तो पैंगज ने कोशिश करी ओवर पावर करने की वहां पर इनको ठोका गया और यहां पर ठोका लोग सोचते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ सड़क का है सड़क का नहीं है दोस्त वहां पर रहने का है आपको रहना है चाइनीज आर्मी कितने साल रहेगी वहां पर एक साल दो साल तीन साल हम पचास साल से वहां पे हम पचास साल और रहेंगे आओ एंड वी हैव पीपल हु आर लोकल्स फ्रॉम दैट एरिया दे नो द टेरेन उनको जमीन पता है मैंने एक बात बोली थी तो लोग मतलब बड़ी मुझे तो बड़ी फनी सी बात लगी मैं लद्दाख स्काउट्स से रेजिमेंटल सेंटर में गया तो मैंने मैंने एक रिक्रूट से पूछा कि मैंने बोला कि भाई तुम्हें तो ऐसी बात हो रही थी ऑफ कैमरा ना कैमरा स्विच ऑफ तो मैंने उससे पूछा मैंने उससे पूछा कि यार तुम हम लोग ग्यारह हज़ार में ट्रेनिंग कर रहे हैं इस वक्त हम ग्यारह हजार फुट पे हैं और मुझे तो सांस नहीं आ रही यार मैं तो दिल्ली से आया हूं मुझे सांस नहीं आ रही तुम सांस कैसे ले लेते हो तुम भाग कैसे लेते हो तीस तीस चालीस चालीस किलोमीटर ओवरनाइट रूट मार्च तुम्हारा चल रहा है और ऑब्स्टिकल कोर्स चल रहा है असॉल्ट कोर्स चल रहा है फायरिंग हो रही है धमाके हो रहे हैं और तुम जो फौज की ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग सी लेवल पे मुश्किल है ये भाई ग्यारह हजार फुट पे कर रहे हैं हंसते हंसते सांस भी नहीं फूल रही उनकी तो कह रहे तुम्हें, मैंने बोला ग्यारह हजार में दिक्कत नहीं हो रही तो उसने तब मुझे बताया किल फोर्म पिकनिक है वो अब क्या बात कर रहे हैं उससे तो मुझे भी थोड़ा सा अटपटा लगा उसके सामने ट्रूप टेकन दिस एक्शन अगेंस्ट दाइनीज को ठोका बुरी तरीके से अब जो रेफ्यूजी इंडिया में मौजूद हैं उनकी एक खामोश पुरिसरार स्पेशल फ्रंटियर फोर्स इंडिया ने बनाई हुई है अच्छा और वो कहते हैं कि उसमें कोई हजार या पंद्रह सौ या ऐसे लोग हैं जिनको वो ओन नहीं करते या उनको वो और वो उनके वो आगे लड़ने के लिए उनको भेजते हैं फ्रंट लाइन पर भेजते हैं और वो ऐसे लोग हैं जो कि जिनको शायद वो क्लेम ही नहीं करते या जिनका जिनको करते हैं क्लेम लेकिन ये पब्लिक में नहीं लेकिन ये वो लोग हैं जो उस इलाके में रहते हैं और जो जिनको स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कहा जाता है यानी ये वो लोग हैं जो दलाई लामा को सपोर्ट करते हैं 1962 में चीन से युद्ध हारने के बाद यह जरूरत महसूस किया गया कि हमारे पास कोई ऐसी फोर्स हो जो लद्दाख तिब्बत के इलाकों से परिचित हो तथा उस इलाके के जलवायु में रहने के लिए अभ्यस्त हो तब सबकी नजर पड़ी तिब्बत से आए उन लोगों को जो दलाई लामा के साथ चीन के प्रतिशोधात्मक रवैये के कारण वहाँ से भारत में आए थे और आज भारत के हिमाचल के इलाके में रह रहे हैं इसी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के पास ही स्पेशल सेक्रेट फ्रंटियर फोर्स का मुख्यालय बनाया गया है ताकि इनको तिब्बत और लद्दाख जैसी जलवायु मिलती रहे और उसमें रहने के लिए हमेशा अभ्यस्त बने रहे तिब्बत के लोगों को स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में रखने के पीछे जैसा कि पहले बताया गया है यह उद्देश्य था कि ये लोग लद्दाख तिब्बत के एरिया से परिचित हैं तथा उस वातावरण में रहने के लिए अभ्यस्त हैं लेकिन इसके अलावा भी एक और बड़ा मकसद था और वह यह था कि चीन से इंतकाम की भावना इन लोगों में भी उतनी ही प्रबल है जितना कि प्रत्येक भारतीयों को है एस एफ एफ विकास रेजिमेंट का एस्टेब्लिशमेंट संख्या ट्वेंटी टू के अंतर्गत आता है इसीलिए इसे विकास बटालियन या ट्वेंटी टू फोर्स भी कहा जाता है यह सीधे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के अंतर्गत काम करता है और रॉ के गुप्त मिशन पर इसको लगाया जाता है इसको अमेरिका की खुफिया एजेंसी सी आई ए द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है जैसा कि समाचार पत्रों में या अन्य माध्यमों में इसकी सूचना उपलब्ध है इन एस के जवानों के साथ हमें बिहार रेजिमेंट के उन जवानों को भी याद करना चाहिए जिन्होंने पंद्रह सोलह जून की रात इसी गलवान घाटी में चीनी सैनिकों को की छक्के छुड़ा दिए थे हालांकि उस दिन धोखे से बातचीत के दरमियान चीनी सैनिकों द्वारा हमारे सैनिकों के पीठ पर वार किया गया था जिसमें हमारी सेना के एक कर्नल सहित उन्नीस जवान वीर गति को प्राप्त किए थे लेकिन संख्या में कम होने के बावजूद भी उन्होंने तैंतालीस चीनी सैनिकों को जमपुरी का रास्ता दिखाया हमारी सेना पूरी तरह चौकन्ना है सजग है और किसी भी चुनौती को सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम है हमारी सेना को विश्व की तीन सक्षम सेनाओं में से एक माना जाता है प्रत्येक भारतवासियों को अपनी देश की सेना पर गर्व है आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए धन्यवाद जय